यहाँ कैसे आ गए? हम लोग कमाने आए थे सर, चिकलाड़ी। चिकलाड़ी कहाँ है? अंबिकापुर के आगे। अंबिकापुर के आगे? हाँ, अंबिकापुर जिले में है। अंबिकापुर जिले में। अच्छा, वहाँ क्या कमाने आए थे, क्या काम करने आए? हम राजमिस्त्री हैं सर। राजमिस्त्री हो? हाँ। तो वहाँ पे काम करते थे? वहाँ काम करते थे हम लोग। क्या काम करते थे? तिवारी करके कोई कंपनी है, उसमें काम करते थे। अच्छा, वो तिवारी कंपनी वाला ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। तो बोले तुम काम बंद कर दो, मैं पैसा दे नहीं पाऊंगा तुम्हारे को। तो हमने बोले जब पैसा नहीं दे पाओगे तो हम लोग क्या यहाँ रह के क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे। इसलिए हम वहाँ से चिकलाड़ी से निकले 3 बजे रात को। 2 तारीख को? 2 तारीख के रात को निकले चिकलाड़ी से। तो अपन लोग आ गए सिलफिली। सिलफिली से आ गए हम लोग, आगे में कोई गांव पड़ता है, वहां से फिर पैदल पैदल चले। वहां किसी लोगों को पूछे कि भाई हमको विश्रामपुर जाना है। तो विश्रामपुर के लिए बोले ये शॉर्टकट रोड जाओ, खदान वाली रोड जाओ, उसी से हम चले आए। तो कितने दिन लगे पैदल चलने में? हमको सर 16 घंटे में यहां आ गए। 16 घंटे में वहां से? लगातार चले थे? हाँ, लगातार चले। और बीच में खाना वगैरह? खाना बनाया सर बीच में। खाना बनाया? हाँ, 1 घंटा खाने में लग गया। 1 घंटा खाने में लग गया। फिर यहाँ पे आके क्या हुआ? यहाँ पे आए रेलवे चौकी के पास में आए तो वहाँ मिल गए पुलिस वाले। पुलिस वाले ने भाई बोले मैं इतने जन को कहाँ लेके जाऊँगा। तो बोले कोई साहब को फोन किया, भाई कोई व्यवस्था बनती है कि इन लोगों की? उनने बोला नहीं। तो बोले जाने दो बोल दिया उसने मजाक मजाक में। तो हम बोले हम भी मुंड मुंड में आ गए इधर। फिर यहाँ पे बोले, फिर नगर पालिका के कोई सर थे, उनने बोले भाई खाना वाना खा लो, यहीं रहो, बोले सुबह तुम्हारी व्यवस्था करके पहुँचा दूंगा, इतना बोले। फिर उसके बाद में फिर नगर पालिका वाले पुलिस वाले सब जाके हमको ला लिए, उठा यहाँ ले आए। यहाँ ले? यहाँ कितनी तारीख से? यहाँ हम हैं सर 4 तारीख से। 4 तारीख से? हाँ। अब ये काम मिल गया है? क्या काम मिला है? ये जाली बनवाई का काम मिल गया। काहे की? पेड़ की? पेड़ की, पेड़ की जाली बनवाई का काम मिला। हाँ। कितने दिन से कर रहे हैं? हम 20 तारीख से कर रहे हैं सर। 20 तारीख से कर रहे हैं? 20 तारीख से 24 तारीख तक। अभी 4 दिन से कर रहे हो? हाँ सर, 4 दिन से। कितना रुपया कमा लिए? 24,300 रुपये सर। और कितने लोग हैं? हम हैं सर यहाँ 15 लोग काम करते हैं। काम करने वाले 15 लोग? 15 लोग। तो 4 दिन में 24,000 रुपये कमा लिए? हाँ सर। और यहाँ पे रहना खाना वगैरह सब बढ़िया है सर? कौन देता है रहना खाना? नगर पंचायत दे रही सर। ये सरकार दे रही है? हाँ, नगर पंचायत। अच्छा, बच्चे वगैरह? हाँ सर, 3 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, उनका भी खाना वाना पर्याप्त मिल रहा? सब पर्याप्त मिल रहा है। कोई समस्या नहीं है? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं सर। अच्छा, तो अभी तो लॉकडाउन खुलेगा नहीं, अभी तो फिर यहीं काम करना पड़ेगा। नहीं सर, भिजवा दो सर, हमारी खेती बाड़ी है सर। है? खेती बाड़ी है सर हमारी। खेती बाड़ी है? हाँ, खेती बाड़ी। लेकिन पैसा तो कमा रहे हो ना? क्या पैसा कमाए सर, पैसा कमाने के आते अब तो हमारे 18 तारीख को लगन था सर, तभी चले जाते। अच्छा, लगन था? हाँ, इसीलिए आए थे, बोले 18 को कमा के चले जाएंगे, कहते फंस गए। फंस गए? अच्छा, तो लेकिन काम कर रहे हो, पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उस चीज से खुश हो कि नहीं? हाँ खुश है सर, जाने के लिए पैसा तो हो रहा है, खर्च पानी के लिए पैसा हो रहा है ना। हाँ, इतने में खुश है हम। उम्र कितनी है आपकी? मेरे 45 साल है सर। बालाघाट जिला लवेरी खास गांव है, किरणापुर थाना है, तहसील किरणापुर ही है ना, जिला बालाघाट आ रहा है। जिला बालाघाट आ रहा है? हाँ। कब से काम कर रही हो? अजी हम 20 तारीख से कर रहे हैं जी। 20 तारीख से कर रहे हो? हाँ। पैसा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। खुश हो? खुश हो, सब चीज से खुश है। हाँ। सब खुश है? हाँ। खाना वगैरह मिलता है? खाना पीना हर चीज मिलता है सर, पर अब हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है हमको भिजाने की। भिजाने के लिए? हाँ। लेकिन अभी तो नहीं जा सकते ना, कोरोना बीमारी चल रही है, मर जाओ, नहीं, क्या करोगे? नहीं जी, मरते नहीं, हमारी व्यवस्था कर दो। खेती बाड़ी का काम आ गया, बच्चे पढ़ाई वाले हैं, बच्चों की अभी स्कूल चालू होंगी तो आपत्ति आ जाएगी। तो सब जगह बंद है? हाँ। स्कूल पूरे देश में बंद है अभी, पर अभी खुलेगा क्या सर? अभी जब खुलेगा तो ये लोग भेज देंगे आपको? नहीं जी, बहुत समय हो जाएगा, अभी चल जाएंगे तो खेती का काम हो जाएगा। खेती का काम हमारा, वो परेशानी तो है। लेकिन अभी जाओगे तो स्कूल तो बंद है अभी, तो तब तक कम से कम यहाँ खाना पीना रहना, काम करो यहाँ पे। अजी काम तो कर रहे थे, अभी तो काम कर रहे थे, पर थोड़ी सी हमारी भी व्यवस्था बना दो जाने की, तो हम भी थोड़ा घर में जाके कुछ खेती बाड़ी का काम करेंगे, खाद कचरा फेंकेंगे, कोई बिजाई धान लाएंगे, इसके लिए हमारी मदद कर दो जाने की। अजी हम कितना पैदल चले थे? हम लोग 3 बजे रात से निकले थे सर साइड से, तो 3 बजे रात से हम यहाँ शाम के 9 बजे तक के चले। तो हमको ये रेलवे किनारे उन खाना कहाँ बनाया था?
खाना हमने वो कोई गांव का मेरे को नाम मालूम नहीं है जी इधर का, तो तालाब किनारे फिर लकड़ी चुने खाना बनाए, खाना खाए फिर और पानी पानी कैसे किया? पानी तालाब का पानी से खाना बनाए हम लोगों ने, वो तालाब के पानी से खाना बनाए, खाना खाए ना फिर टिफिन वगैरह पकड़े बच्चों की व्यवस्था के लिए रास्ते के लिए। सामान तो बैग था जी, चावल रखे थे, सब्जी का रखे थे खाने के लिए, रास्ते में तो कौन उतना देता, सब किलो का उतना सब ले लेके चल रहे थे। हाँ सर पे ले लेके चले, और बच्चे बच्चे भी रखे थोड़ा थोड़ा, और बच्चे भी चलते बने। अच्छा हाँ, पूरे टाइम चले बच्चे भी, पूरे टाइम चले। फिर अंतिम में ज्यादा तब थक गए जी, तो यहाँ पे 9 बजे यहाँ पे आए इधर रेलवे किनारे, तो आ रहे थे तो कोई गरीबों ने मदद दिए, हेल्प किए, अब रुक जा तुम हम मदद दे रहे हैं, तो उनने खाना लाए, खाना दिए। फिर वो बाजू में एक माता राम थी, मतलब उसका मदद कर रहे हैं ना अभी भी ये, लेकिन वो मदद हो रही है। तो फिर वो माता राम ने हमको सोने के लिए अपना कमरा दी, बिस्तर दी, सो जाओ करके उन्हीं के यहाँ। फिर सुबह माता राम ने खाने के लिए चावल दी, सब्जी का दी, हर कुछ की, खाना तो वाना। इन सर को धन्यवाद बोले कि नहीं? धन्यवाद बोले जी, इन तो बहुत मदद की है जी हमारी, इनने बहुत मदद की है। फिर वो माता राम से आके खाना पीना खाए, फिर यहाँ से पुलिस लोग गए ना, फिर लाए यहाँ हम स्कूल में। तो फिर आए तो अभी सोने बिछाने ओढ़ने अंका पंखा हर चीज ओके है यहाँ, सब ओके है। हाँ जी,